New Wave, committed to bring you the best. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेश है न्यू वेव की एक और मायारी प्रोडक्ट डिजिटल कैश रजिस्टर। इसमें आप 7000 स्टॉक आइटम्स ऐड कर सकते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक ऑपरेट करने के लिए 72 शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही आप स्क्रीन पर देखें, इसमें सेल और सेटिंग्स की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। और किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स में आते हैं, और ये एरोज़ कीज़ आपको नज़र आ रही हैं। एरोज़ कीज़ ये अप और डाउन करने के लिए है, ये कैश एंटर का बटन है एंटर करने के लिए, स्केप बैक करने के लिए। हम सबसे पहले सेटिंग में आके कैश रजिस्टर को रीसेट करेंगे। सेटिंग में आते हैं, सबसे पहले पासवर्ड लगाएंगे। इसका पासवर्ड है 6x8। एंटर किया तो ये देखें अब ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। हम सबसे डाउन में आके इसको ECR इनिशियलाइज में आएंगे, उसके बाद इनिशियलाइज डाटा, और इसको यस करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तकरीबन 3 सेकंड में जो है ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा रिसीट सामने आ गई है, ये मशीन रीसेट हो गई है। रीसेट करने के बाद हम इसकी डेट और टाइम को सेट करेंगे। ये हमारे सामने आ रही है डेट, आज डेट है जी 1st October 2021। ठीक है, ये एंटर करने के बाद हमने एंटर करना है, दोबारा से करना है, स्लिप जनरेट हो गई। इसके बाद सेकंड नंबर पे टाइम की ऑप्शन आ रही है, टाइम को भी हम इसी तरह सेट करेंगे। इसमें टाइम 24 आवर का सेट होता है, तो हम लिखेंगे जी 1835 एंटर। ये देखें इसका टाइम भी एंटर हो गया। हम बैक करके मेन मेन्यू में आ जाएंगे और इसकी दूसरी ऑप्शंस को सेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें आइटम्स को कैसे ऐड किया जाता है। हम इस वक्त अभी मेन मेन्यू में हैं। हम सबसे पहले आएंगे डाटा मैनेजर में, डाटा मैनेजर के बाद PLU डाटा प्रोग्राम और न्यू PLU डाटा। न्यू PLU डाटा में आने के बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है PLU नंबर। PLU नंबर पे एंटर करेंगे, वो आपको स्क्रीन पे देगा 1 to 7000। आप इसमें एक से लेकर आप 7000 आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले कोई एक आइटम ऐड करते हैं टेम्प्रेरी तौर पर। ये मैंने 1 प्रेस करा, मतलब कोड मैंने रख दिया 1, उसके बाद एंटर किया, नाम पे एंटर किया। हम कोई भी नाम रख देंगे, इस टाइम हम नाम रख रहे हैं जी बर्गर, BURGER। ये हमने एंटर करा, अब वो प्राइस पे आ गया। प्राइस सेट करेंगे हम इसकी सपोज 150, एंटर। इसके बाद हम आके इसको सेव करेंगे, ये सेव की ऑप्शन आ रही है, एंटर करेंगे, वो अगेन आपसे रिकन्फर्म करेगा, फिर आपने एंटर करना है। तो ये देखें ये आइटम्स आपकी सेव हो गई है। इसका PLU नंबर है 1, नाम इसका है बर्गर, प्राइस इसकी है 150। इसी तरह हम दूसरी आइटम्स को भी सेव कर लेते हैं। नंबर 2, एंटर, नेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फ्राइज, FRIES प्राइस, प्राइस लिखेंगे हम इसकी 100, एंटर, और उसके बाद सेव कर देंगे। इसी तरह हम इसको 7000 आइटम्स तक इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप शॉर्ट की को भी एंटर कर सकते हैं। 7000 एक दबाएंगे तो शॉर्ट की नंबर 1 पे सिलेक्शन हो जाएगी, और मज़ीद आइटम्स को आप इसी तरह 7001 से 7072 तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेव करने का तरीका। इसी को हम चेंज करने के लिए, कोई भी आइटम की प्राइस या उसका नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रही है मॉडिफाई की। न्यू PLU के नीचे आ रही है मॉडिफाई PLU डाटा। मॉडिफाई में हम एंटर करेंगे, उसी तरह वो PLU नंबर मांग रहा है। सपोज़ अगर हमने नंबर 1 की इसकी 150 के बजाय 160 करनी है बर्गर की प्राइस, तो सबसे पहले हम उसका कोड एंटर करेंगे जो बर्गर का कोड है। 1 एंटर किया हमने, उसके बाद हमने एंटर किया दोबारा नेम पे। उसने कहा जी आपने अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप ये क्लियर के बटन से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने रखना है। फिर एंटर करेंगे, फिर प्राइस में आएंगे। प्राइस अगर आपने रिमूव करनी है क्लियर के बटन से होगा, इसकी नई प्राइस को सेट करना है, आप प्राइस मेंशन कर दें, एंटर करें, और उसी तरह डाउन जाके आप इसको सेव कर दें। अभी देखिएगा पहले इसकी प्राइस थी 150 और अब इसकी प्राइस हमने कर दी 160। ये तो हो गया मॉडिफाई करने का तरीका। अगर हमने किसी आइटम्स को डिलीट करना है तो उसी तरह हम उसी मेन्यू में रह के डिलीट की ऑप्शन आ रही है, डिलीट PLU डाटा में आके एंटर करेंगे,
उसी तरह वही PLU नंबर एंटर करेंगे और डिलीट कर देंगे उसको। अच्छा, हम आपको इसके इसके आगे बताते हैं जी PLU स्टॉक मैनेजर के बारे में। PLU स्टॉक मैनेजर में आके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टॉक को, और इसी तरह डिक्रीज स्टॉक के लिए डिक्रीज़ कर सकते हैं, और नीचे आके आप इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। करंट इन्वेंट्री में आके आप PLU नंबर डालेंगे तो जो मौजूदा स्टॉक होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बैक जाते हैं हम इसी तरह मेन्यू में, और आपको मैं इसके बाद दूसरी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। PLU स्टॉक रिपोर्ट की ऑप्शन भी आ रही है इसी के नीचे। PLU स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे और फर्स्ट PLU और लास्ट PLU दो ऑप्शन इसमें आपके सामने आ रही हैं। तो फर्स्ट PLU में हम जो एंटर करेंगे नंबर कोड, सपोज़ मैंने 1 एंटर किया, उसके बाद लास्ट में आपने जो एंटर करना है सपोज़ 5, तो 1 से लेकर 5 तक जितनी भी आपकी स्टॉक की जो आइटम्स होंगी उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा रसीद के ऊपर। अभी हमने कोई एंटर नहीं किया इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। बैक जाकर मैं आपको नेक्स्ट उसके ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। PLU डाटा का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जी रसीट हेड प्रोग्राम के बारे में। इसी के नीचे डाउन करेंगे ये आ गया रसीट हेड प्रोग्राम। रसीट हेड प्रोग्राम का मतलब है कि आपने रसीट के टॉप पर, मतलब आपने अपनी कोई दुकान का नाम लिखना है या कोई एड्रेस लिखना है या कोई टेलीफोन नंबर लिखना है, तो आप इस ऑप्शन में जाके कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, 6, 7 तक जो है वो लाइन्स आ रही हैं। तो आप, मैं सबसे पहले line 1 में नाम लिखता हूँ। ये मैंने लिख दिया जी बर्गर्स क्लब, BURGER बर्गर स्पेस CLUB बर्गर क्लब, एंटर किया। उसके बाद line 2 में आ गए हम। यहाँ पे आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी रोड का नाम लिख सकते हैं। इसमें हम रोड करेंगे जी MM आलम, MM स्पेस ALAM स्पेस ROAT MM आलम रोड, एंटर कर दिया। थर्ड पे हम कोई भी अपना टेलीफोन नंबर ऐड कर सकते हैं 03004256412, एंटर करेंगे और इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो आपके सामने रसीद पे जो है वो नेम लिखा हुआ आ जाएगा। हम बैक करके जो है हम आपको बताएंगे कि रसीट टेल प्रोग्राम का क्या फंक्शन है। रसीट टेल प्रोग्राम में जाके हम उसी तरह वो आपके सामने लाइन्स शो होंगी, जो आप रसीद के बॉटम पे लिखना चाह रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर थैंक्स टू ऑल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर विजिटिंग, थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया और इसी तरह इसको आके सेव कर दिया, ये आपके सामने आ गया। अब हम एक बिल बना के देखते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आपकी रिपोर्ट, आपकी डिटेल जो है वो बिल की किस तरीके से आती है। अब हम देखते हैं कि इसमें बिल कैसे बनता है। बिल बनाने के लिए हम सेल की ऑप्शन में आएंगे, सेल में आके एंटर करेंगे। तो अब ये हम सेल में आ गए हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने जो है वो क्वांटिटी प्रेस करनी है। मिसाल के तौर पर कोई आपके पास बर्गर लेने आता है या कोई भी जो आपके प्रोडक्ट्स है, इसमें हमने अभी बर्गर ऐड की है और फ्राइज़ ऐड की हुई है। अगर कोई कस्टमर 4 बर्गर लेता है तो हमने पहले क्वांटिटी प्रेस करनी है 4×4 एक नंबर पे हमने बर्गर सेव किया है, एक नंबर प्रेस करेंगे, फिर PLU सेल का बटन दबाएंगे। ये देखिएगा बर्गर की सेल होगी। इसी तरह हम फ्राइज़ की सेल करेंगे, एक फ्राइज़ हैं, अगर कोई कस्टमर एक फ्राइज़ लेता है तो 1×quantity, फ्राइज़ का कोड है 2, PLU सेल दबाएंगे, ये फ्राइज़ की सेल हो गई। सब टोटल का बटन दबाते ही आपके सामने जो है जो आपकी बिल की अमाउंट है वो सामने शो हो जाएगी 740। आप कस्टमर को बताकर उससे पेमेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर आपको 1000 देता है तो आप 1000 यहाँ एंटर करेंगे और कैश का बटन दबाएंगे। कैश का बटन दबाते ही आपके सामने रसीद पर जो अमाउंट शो होगी वो देखिएगा 740 उसका बिल है, 1000 कस्टमर ने आपको कैश दिया और आपने उसको 260 रुपये चेंज जो है वो बकाया अदा करने हैं। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको लेदर से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैश रजिस्टर की मदद से आप बकाया रकम भी बगैर कैलकुलेशन के अदा कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं सारे दिन की सेल रिपोर्ट को कैसे चेक करते हैं।
उसी तरीके से हम मेन्यू का बटन दबाएंगे, सेटिंग में आएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और एरो की इसकी मदद से हम डाउन करेंगे। रिपोर्ट प्रिंट एक्स और जी। इसमें दो किस्म की रिपोर्ट आती हैं, एक्स चेक अकाउंट मोड और जेड क्लोज अकाउंट मोड। सबसे पहले हम एक्स की रिपोर्ट निकालेंगे, डेली सेल रिपोर्ट। उसी के नीचे आपके सामने आ रही है पीएलयू सेल रिपोर्ट। ये देखिए डेली सेल रिपोर्ट में हमारे पास टोटल कैश की अमाउंट आ गई है और पीएलयू सेल रिपोर्ट में हमारे पास ब्रेकअप आ गया है कौन सी आइटम कितनी सेल हुई है। इसी तरीके से हम जेड में जाके जब रिपोर्ट निकालेंगे डेली की और पीएलयू सेल की, जैसे ही हम रिपोर्ट निकालेंगे पिछला सेल का रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा मैं निकालता हूँ डेली सेल रिपोर्ट, इसके बाद पीएलयू सेल रिपोर्ट। ये आपके सामने आ रहा है एक्स और जी का डिफरेंस। अब हमारे पास जो है जेड रिपोर्ट सामने शो हो गई है और रिपोर्ट निकालते ही हमारा पिछला सेल का रिकॉर्ड क्लियर हो गया है। किसी भी टाइम सेल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए आप एक्स चेक अकाउंट की रिपोर्ट निकालेंगे और जब सारा दिन का आपने सेल क्लोज करनी है तो फिर जेड क्लोज अकाउंट की आप रिपोर्ट निकालेंगे। जेड अकाउंट क्लोज की रिपोर्ट निकालने के बाद आपका सेल का रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा और आप अगले दिन से ज़ीरो से अपनी सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिस्काउंट कैसे सेट करते हैं। बैक स्पेस करके उसको उसी तरह मेन मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा डिस्काउंट सेट करने के लिए हमें डाटा मैनेजर में आना पड़ेगा। डाटा मैनेजर में हम डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आके डिस्काउंट सेट की ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम जो भी फिगर सेट करेंगे वो परसेंटेज के हिसाब से सेट हो जाएगी। देखिए मैंने अभी 5 प्रेस किया और एंटर किया, यहाँ पे आपके सामने देखें लिखा हो रहा है डिस्काउंट सेट 5%। अब जो भी आप डिस्काउंट देंगे वो परसेंटेज के हिसाब से सेट हो चुका है। मैं आपको एक इसका बिल बना के और डिस्काउंट के बारे में बता दूं कैसे हम सेट कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। ये हमने एक बिल बनाया है जी बर्गर का, ठीक है, ये हमने सेल करी है। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट का बटन नज़र आ रहा है, ये डिस्काउंट का बटन हम प्रेस करेंगे। 5% के हिसाब से उसने 16 रुपीज़ आपको डिस्काउंट कर दिया है। अब हम सब टोटल का बटन प्रेस करेंगे, उसने बता दिया 304 कस्टमर से कलेक्ट करने हैं, 500 कस्टमर ने दिए कैश। एंटर का बटन दबाते ही आपका बिल फाइनल हो जाएगा। ये देखिएगा 320 का बिल है, 16 डिस्काउंट हो गया, 304 कस्टमर से आपने लेने हैं, 500 रुपीज़ जो है कस्टमर ने आपको दिए, अब आपने चेंज उसको बकाया देना है 196। अब हम आपको बताएंगे ऐड की गई आइटम्स का प्रिंट निकालने के लिए कौन सी ऑप्शन में जाते हैं। अगर आपने कोई आइटम्स ऐड करी हैं, आप चाहते हैं मैं उसका प्रिंट देख लूँ मैंने कितनी आइटम्स को जो है वो अभी तक ऐड कर लिया है, तो आप उसी तरीके से मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग में आएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप आएंगे जी डाटा प्रिंट में। डाटा प्रिंट में आने के बाद आप पीएलयू डाटा में जाएंगे और यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट पीएलयू नंबर। फर्स्ट पीएलयू नंबर में आप नंबर 1 प्रेस कर देंगे और लास्ट में आपने जहाँ तक सेव करी हैं वो आप उसका पीएलयू नंबर एंटर कर देंगे। अभी हमने 2 आइटम्स फीड करी हुई हैं तो हम 2 आइटम्स तक चेक करेंगे हमने कौन कौन सी 2 आइटम्स फीड करी हुई हैं पहले से। एंटर करते ही साथ आपके सामने देखें ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। नंबर 1 पीएलयू 1 पे हमने बर्गर सेव किया हुआ है, पीएलयू 2 पे हमने फ्राइज सेव करी हुई है। इसके साथ प्राइस भी आ रही है और उसका नेम भी आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि जी इसमें आइटम्स फीड करे बगैर बिल कैसे बनता है। टेम्प्रेरी गुड्स का जो बटन है उसकी मदद से हम जो आइटम्स इसमें सेव नहीं हैं हम उसका भी बिल बना सकते हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, क्वांटिटी प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट और देन हम पीएलयू सेल का बटन दबाएंगे। अच्छा हम आपको बताते हैं जी, सबसे पहले हम क्वांटिटी प्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई आइटम्स है वो कस्टमर ने 2 लिए हैं, हम प्रेस करेंगे 2 मल्टीप्लाई उसका जो रेट है सपोज़ 100 है तो हम प्रेस कर देंगे टेम्प्रेरी गुड्स का बटन। टेम्प्रेरी गुड्स का बटन प्रेस करते ही उसने बिल बना दिया। इसी तरह कोई एक और आइटम्स वही कस्टमर आपसे ले रहा है, उसकी क्वांटिटी 5 है, आप 5 करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर 50 रेट है तो 50 लगाएंगे और उसी तरह टेम्प्रेरी गुड्स का बटन दबा देंगे, अगेन उसने बिल बना दिया। सेम प्रोसीजर है, सब टोटल लगा के हम
टोटल अमाउंट देख सकते हैं, टोटल अमाउंट कितनी बनी है कस्टमर की 450, और कस्टमर आपको 500 देता है तो आप 500 प्रेस करें और कैश का बटन दबाएं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर जो है वो आइटम्स के नेम की बजाय टेम्प्रेरी कॉमोडिटी का जो है वो लफ्ज़ लिखा हो रहा है, मतलब टेम्प्रेरी गुड्स जो है उसको बनाने के लिए, उसका बिल बनाने के लिए आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है। आपके सामने टेम्प्रेरी कॉमोडिटी लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका बिल आज कितने का बना है। हम आपको बताएंगे कि भाई इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। उसी तरह हम मेन मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग में आएंगे, पासवर्ड लगाएंगे जो इसका टेम्प्रेरी पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6, एंटर। अच्छा, एंटर करते ही सबसे पहली ऑप्शन है परमिशन सेट, परमिशन सेटिंग में आएंगे हम, उसके बाद हम मैनेज सेट, उसके बाद हम पासवर्ड मॉडिफाई के ऑप्शन में आएंगे। सबसे ऊपर वो आपको बता रहा है कि भाई आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करें, 2 3 4 5, ये हमने ओल्ड पासवर्ड एंटर करा। एंटर करने के बाद न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, एंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड अगेन एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6, एंटर और सेव कर देंगे। देखें यस की ऑप्शन आ रही है, अगेन यस करेंगे, ये हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया 1 2 3 4 5 6। इस तरह आप पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए किसी भी वक्त पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, परमिशन सेटिंग में आके आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि रीप्रिंट कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी आपने बिल बनाया है उसको दोबारा से रीप्रिंट करने के लिए आप रीप्रिंट का बटन दबाएंगे। मैं आपको एक बिल बना के बताता हूँ, फिर उसके बाद हम उसका रीप्रिंट करेंगे। ये हमने एक बिल बनाया, एंटर किया, अब इसी बिल का दोबारा से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास रीप्रिंट का बटन दबा के। रीप्रिंट का बटन दबाते ही देखें मशीन ने एक और सेम उसकी डुप्लीकेट रीप्रिंट कर दी है। इसकी मदद से आप जो है वो अपने सेल का रिकॉर्ड फाइल भी कर सकते हैं और उसको टैली भी कर सकते हैं।